अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस मैक्रोनी। इसमें आप पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, पेनी पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं विद वेजिटेबल्स। बहुत ही क्रीमी बनता है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा, पहले आपने मैक्रोनी बॉईल करनी है ऑयल डाल के। मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना। अब इसको हम कर रहे हैं ड्रेन और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि ये चिपके नहीं। तो ये मैक्रोनी रेडी है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। मेरे पास है कुछ फ्रोजन सब्जियाँ, कैरेट्स, पीस, ये है कॉर्न, शिमला मिर्च, और फिर ये है काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑल पर्पज फ्लावर, ये है मैंने थोड़ी सी ली है मोज़रेला चीज़, और ये है गार्लिक कुटा कटा हुआ, और ये है जी दूध का एक कप, मक्खन, और इसमें क्रीम भी जाएगी, फ्रेश क्रीम, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। थिक क्रीम या फ्रेश क्रीम कुछ भी लेना। अब जी बॉयल में हमने किया है मक्खन डाला है, और इसमें हम डालेंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ख्याल रहे कि कुछ भी ओवर कुक नहीं करना। वरना इनकी वो जो कलर है वो सब चेंज हो जाता। अब हम डाल रहे हैं जी इसमें काली मिर्च, अजीनोमोटो और नमक। सब कुछ आपके टेस्ट के मुताबिक, जितनी भी मिर्च और जितना भी नमक आपको चाहिए उसके हिसाब से आप डाल लें। और हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। ये शक्कर आनी चाहिए। और अब उसी पैन में हमने जी दोबारा बटर लिया है, ये 1 टेबलस्पून बटर। मैंने डाला है ये कटा हुआ गार्लिक, 1 क्लोव है ये। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। मुझे बटर कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया है। आपने इस गार्लिक को जलाना नहीं है, ये याद रखें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर। अब इसको एक हल्का सा कलर देने के बाद, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, आप इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप दूध। दूध की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं इसमें डालनी, ये डिपेंड करता है कि जितना गाढ़ा लगे आपको आप उस हिसाब से दूध डाल सकते हैं। इसको आप साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जितना आपको पतला चाहिए आप उस हिसाब से दूध डालते रहें। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं। हम इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, नमक, अजीनोमोटो, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें बारबेक्यू मसाला भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये क्रीम दिखाना मैं आपको भूल गई थी, ये है थिक क्रीम। ये भी आपने इस टाइम पे डालनी है। आप 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून के हिसाब से इसमें क्रीम डाल लें, से इसको बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर मिलता है। अब देखिए हमारी ये पूरी सॉस गाढ़ी हो रही है। अब मैं इसमें डालूंगी मोज़रेला चीज़, ये मैंने अंदाजे से डाली है, जितनी आपको पसंद हो।
करके देखिए कितनी सी क्रीमी सॉस बनी है ये। अब ये जी मैंने मैक्रोना लिया है, मैक्रोनीज ली हैं जो कि बॉईल की हुई थी, इसमें डाल दी मैंने सारी वेजिटेबल्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी व्हाइट सॉस। तो कर लें मिक्स। यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें और दूध डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्रोनीज डालने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो आप इसमें और दूध ऐड कर लें तो ये बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी जितनी आपको चाहिए होगी। ठीक है, उसको फौरन सर्व करना होता है वरना ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप पहले सब कुछ तैयार करके रख लें और सॉस बिल्कुल सर्विंग के टाइम पर डालें। बहुत ही क्रीमी है, यकीन आपको बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ऑल डिपेंड ऑन यू। ये मैं डाल दूँ थोड़ा सा कोरिएंडर, इससे इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारी मैक्रोनी तैयार है, बहुत ही क्रीमी चीज़ी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर परमेसन चीज़ भी डाल सकते हैं ऊपर से, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।